मां कि मैयारी आज नया उत्सव वो किस लिए मनाया जाता है। बोले मैयारी आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है, किन के स्वागत सत्कार को सामान सजाया जाता है। क्या हो रहा है, ये वृंदावन के लोग कहां जा रहे भैया बोलो। ये तरह तरह के साज दिए किस लिए बाल लिया दिए, इन स्वार्थ भरे गीतों से किस कारण किन्हे मनाती है। क्या हो रहा है, ये सब लोग किधर जा रहे। तो यशोदा नहीं बोली तब तक नंद बाबा समझाने लगे। यशोदा तो चुप ही रही, अबे बोले बाबा नंद और तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। नंद बाबा बोले इधर आओ श्याम सुंदर, तुम्हारी मां नहीं हम तुम्हें समझाए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बोले वो हो रहा है जो हम बरसों से करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे बाबा। तो कन्हैया को नंद बाबा समझाने लगे, लाला सुनो, हर कार्तिक के महीना की अमावस्या वाले दिन हम वृंदावन के लोग देवताओं के राजा इंद्र का पूजन करते हैं। तो श्याम सुंदर पूछने लगे बाबा लेकिन हम लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। बोले सुनो, जब हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र देव हमारी पूजा को देख करके, हमारी श्रद्धा को निहार करके हम लोगों के ऊपर एक एहसान करते हैं। एहसान, कैसा एहसान बाबा सुनो ना। जो मेघों को आज्ञा दे करके वो पृथ्वी पर जल बरसाते हैं और ब्रजवासी उन्हें मनाने को उत्सव हर साल मनाते हैं। जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्रदेव हमारी पूजा को देख करके एहसान करते हैं जल की वर्षा, और जब जल की वर्षा होती है तो अनाज पैदा होता है, और जब अनाज पैदा होता है तो हम लोग खाते हैं, और खाते हैं तो जीते हैं, और जीते हैं तो रहते हैं, और रहते हैं तो पूजा करते हैं। अब तुम भी जल्दी जा तैयार हुआ और तुम भी भाग लो पूजा में, इंद्र की तुम भी पूजा करो। तो कन्हैया ने उत्तर दिया, बाबा हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। पूरी बात हो गई, तुम नहीं समझ पाए, क्यों नहीं समझ में आया। बोले बाबा हमारे इसलिए समझ में नहीं आया कि कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है, किसी को किसी के नाम पे विश्वास और किसी को किसी के नाम पे विश्वास। और कन्हैया नंद बाबा से बहुत अच्छी बात कहते, बाबा सुनो मेरी बात सुनिए बाबा, कि है जब नंगी दुनिया भूला भुलैया में भुलानी वे नंगी दुनिया, कोई कहीं भटक रहा है कोई कहीं भटक रहा है, किसी को किसी के नाम पे विश्वास है किसी को किसी के नाम पे विश्वास। और बोले अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डंडा लतरावे। अगर भाई परेशान अपने सगे भाई से सहायता मांग रहा है तो सगा भाई उसकी सहायता नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी मजाक बना रहा है। बोले अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डंडा लतरावे, और जियत बाप को मातन पूछी अब मरे गंगले जावे बे नंगी दुनिया।
अरे मुक्त मिले जो राम नाम तो बापे अभ्यंग उठावे। भगवान का नाम फ्री में मिलता है, लोग लेने में एतराज करते, फ्री में मिलता है इसलिए, और जहां पैसा लगते हैं बाल लंबी भीड़ लग जाती, लाइन लग जाती, एक ने हाथ निकालना पातो ने दूसरे ने डाल दो लगी एक पौआ, जहां पैसा लगते वहां लाइन लगती। कभी आपने अंदाज किया हो, देखा हो, जितनी भीड़ शाम को मंदिर पे नहीं मिलेगी उससे कई ज्यादा भीड़ शराब के ठेका के सामने मिलेगी। खूब जूता चलता हुआ देखा होगा। एक दिन बुद्धि में आया, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जो शाम को पी ली सुबह को उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जो शाम को पी ली सुबह को उतर जाएगी। अगर दो बूंद भगवान के नाम की पी ली तो सारी जिंदगी नशे में ही गुजर जाएगी। बोले अरे मुक्त मिले जो राम नाम तो नब नब उठावे। और मरे गढ़े मर घट मसान पे अब चंदन फूल चलावे। कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है, किसी को किसी के नाम पे विश्वास है और किसी को किसी के नाम पे विश्वास, और वैसे ही